खबर नसरुल्लागंज से है, जहां कलेक्टर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कर कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल का परिवेश को सकारात्मक बनाने को लेकर शिक्षक और समाज मिलकर प्रयास करें। और इस प्रयास से न केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सकता है, नवीन तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाना है। स्मार्ट क्लास के लिए शिक्षक जन सहयोग से टेलीविजन सेट क्रय करके लगाएंगे और एक कक्ष को स्मार्ट क्लास के रूप में स्थापित करेंगे। वही कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों ने 16 दिसंबर 2022 तक सभी स्कूलों में टीवी लगाने की सहमति दी है। इसी संदर्भ में जन शिक्षा केंद्र नसरुल्लागंज अंतर्गत संकुल केंद्र लाडकुई के समस्त स्कूलों में जन संवाद कार्यक्रम के तहत जन सहयोग से LED वितरण की गई। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ये ज्ञान देगी, चाहे स्मार्ट टीवी हो और चाहे आईफोन हो या स्मार्टफोन हो। हर वस्तु के दो पहलू हैं दुनिया में। ईशा ने बिल्कुल ठीक बताया, स्मार्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है जो परिपूर्ण हो। यहाँ पर मगरिया विद्यालय सभी क्लास में स्मार्ट टीवी लग जाएगी, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है सबके लिए। और इसके अतिरिक्त CM राइज विद्यालय नसरुल्लागंज, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नसरुल्लागंज, वो भी हर क्लास स्मार्ट क्लास होने जा रहे हैं। इसी संकुल केंद्र का एक और विद्यालय है जिसका पूर्व से जिले और प्रदेश में नाम रहा है, श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जी का स्कूल, शासकीय हाई स्कूल टीका मोड़, वो भी लगभग 1 लाख रुपए का कलेक्शन उनका हो गया है। एक स्मार्ट टीवी यही के महेश्वरी जी ने, लाड़कुई के निवासी हैं महेश्वरी जी ने, वहां टीका मोड़ में जाकर दी है, तो वो भी शत प्रतिशत क्लास स्मार्ट क्लास हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। और जिस विद्यालय में आप बैठे हैं, ये विद्यालय भी यदि सभी बच्चों का सहयोग रहा, विजय आदरणीय विजय नागर जी की पूरी भावनाएं हैं कि आने वाले 1 सप्ताह में इस विद्यालय को भी हर क्लास स्मार्ट क्लास बना लेंगे। आपको नीचे ही स्मार्ट क्लास नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.